सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पाकी प्रखंड के मंगलपुर ग्राम में अखिल भारतीय तैलिक साहू समाज के पलामू परमंडल अध्यक्ष रामदास साहू के पहल पर भूखे एवं जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन एवं मास्क का वितरण किया गया। भोजन एवं मास्क वितरण के पूर्व लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हुए लोगों को घेरे में खड़ा किया गया, जिसके बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने के बाद उन्हें मास्क एवं भोजन दिया गया। साथ ही समाज के लोगों ने सभी जरूरतमंदों से अपील किया कि लॉकडाउन का वे जहां तक संभव हो पालन करें। मौके पर मौजूद समाज के अध्यक्ष रामदास साहू ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में उनके द्वारा पूरे परामू परमंडल के असहाय लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर एवं भोजन का वितरण किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पाकी प्रखंड के मंगलपुर से की गई है, जो आगामी 3 मई तक लोगों को भोजन खिलाने का कार्यक्रम। पूरे विश्व में महामारी कोरोना बीमारी फैला हुआ है, इससे निपटने के लिए मैं अखिल भारतीय तैलिक साहू समाज के परमंडलीय अध्यक्ष के नाते असहायों के बीच घूम घूम कर मास्क सैनिटाइजर और भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे असहायों के बीच मैं जा रहा हूं जहां पर जिनको भोजन मास्क के नहीं उपलब्ध है, उन लोगों को हम असहायों के बीच दे रहा हूं। और यह अभियान मेरा अगले हमारा था 14 तारीख तक चलाने का, लेकिन लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ गया है, इसलिए यह कार्यक्रम हम लॉकडाउन प्रक्रिया 3 मई तक है। हम 3 मई तक पूरे पलामू में अपना कार्यक्रम अपने स्वजन से अपने स्तर से चला रहे हैं।